चलिए इसी के साथ बात करते हैं मौसम की। तो आपको बता दें कि उत्तर की ओर से जो हवाएं आ रही है उससे पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है और आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। कई ऐसे शहर है जिसमें कोल्ड बहुत ज़्यादा है और कई ऐसे 17 शहरों को शामिल किया गया है जिसमें सीवियर कोल्ड है और आने वाले जो दिनों में है वो ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। उत्तर की ओर से हवाएं आ रही हैं और इसी के चलते प्रदेश ठिठुर रहा है। भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, सागर, उज्जैन में सीवियर कोल्ड है और 6 शहरों में कोल्ड तो 17 शहरों में सीवियर कोल्ड है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो पूरा प्रदेश में ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। उत्तर की सर्द हवाओं से पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है। बताया आपको कि 6 शहरों में कोल्ड, 17 शहरों में सीवियर कोल्ड रहा और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में सर्दी के जो तेवर है वो और तीखे हो सकते हैं। कोहरे की चादर यहाँ देखी जा रही है, ओस गिर रही है, जिस वजह से लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दिसंबर माह में इस तरह से इस तेज़ी से ठंड पड़ रही है जो खुद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उत्तर की ओर से सर्द हवाएं आ रही हैं और इसी के चलते इसका असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। तो हमारे सहयोगी मनीष गीते ने इसे पूरे मौसम का जायजा लिया भोपाल में, चलिए देखते हैं। उत्तर भारत में हुई ताजा बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों का तापमान गिर गया है। ग्वालियर से लेकर भोपाल और जबलपुर तक कोहरा छा गया है। आज सुबह जब राजधानी वासी उठे तो कोहरे की चादर देख के हैरान रह गए। पूरा शहर कोहरे में डूबा हुआ था। भोपाल के अरेरा हिल स्थित मंत्रालय, वल्लभ भवन, विधानसभा, बिरला मंदिर, ये सब कोहरे में ढके हुए थे। विजिबिलिटी भी इतनी कम थी कि करीब 50 मीटर दूर तक का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सुबह सुबह बच्चे भी ठंड में स्कूल जाते हुए नज़र आए। स्कूलों का समय हालांकि प्रशासन ने बढ़ा दिया है लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित हो रहा है क्योंकि 8:30 बजे बाद स्कूल लगने का प्रशासन का आदेश है लेकिन बच्चों सुबह जल्दी उठ के 7 बजे से तैयार होकर जाना पड़ रहा है। तो हमारे सहयोगी मनीष गीते राजधानी भोपाल की सड़कों पे थे और कैसा पूरा मौसम है, किस तरीके से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है इसकी जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि सीवियर कोल्ड भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर में सीवियर कोल्ड रहा तो वहीं गुना, दतिया, सतना, बैतूल, गुना, मंडला, खजुराहो में कोल्ड डे रहा और आने वाले दिनों में सर्दी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी के चलते स्कूलों का टाइमिंग भी, मॉर्निंग शिफ्ट की जो स्कूल्स थे उनका टाइमिंग भी चेंज किया है तो कई ज़िलों में कोहरे की चादर देखी जा रही है। दिसंबर माह में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ये खुद अपने आप में एक रिकॉर्ड है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में भी बता दें आपको ठंड पड़ रही है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोहरे की चादर यहाँ भी देखी जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। दिनेश, जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में इस वक्त कैसे ठंड पड़ रही है? नेहा बता दें कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र में भारी कोहरे का असर, साथ ही साथ वहाँ पे जो तापमान में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई है और बस्तर क्षेत्र में बात करें तो बस्तर क्षेत्र में भी कोहरा छाया हुआ है। कांकेर और धमतरी इस तरफ भी बहुत ही ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। मौसम को लेकर मौसम विभाग की क्या कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड कैसी होगी, कोई जानकारी? बता दें कि जो मौसम विभाग ने जारी किया अभी लगातार पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से राजधानी की सहित अन्य जिलों में जिस प्रकार से ठंड पड़ी है उसके तहत तो मौसम विभाग जारी किया कि तापमान में और भी गिरावट आ सकती है और जो डेली जो है उसमें मौसम में तापमान विभाग ने जारी किया कि बारिश भी होने की संभावना है।
जी शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो ठंड के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, दोनों ही प्रदेशों में ठंड जोरों पर है।